नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आनंद सिंह के करीबी कार्तिकेय सिंह की मंत्रालय से छुट्टी होने के बाद और वो इस्तीफा देने के बाद दानापुर कोर्ट में उनकी पेशी हुई, लेकिन वो पहुंचे नहीं थे। उनके वकील ने सारी प्रक्रिया पूरी की है और अब जो सजा है या जो मसला है वो क्लियर नहीं हो पाया है कि अब उनके साथ कोर्ट क्या करने वाला है, कौन सा फैसला लेने वाला है। अब आपको बता दें कि कार्तिकेय सिंह को ADJ 3 के सामने पेश होना था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए, उनकी जगह वकील ने पक्ष रखा है। बता दें कि कार्तिकेय सिंह ने सुनवाई के एक दिन पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, कल देर रात इस्तीफा हुआ। दरअसल वर्ष 2014 में जिस अपहरण कांड में पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह को कोर्ट की नज़र में फरारी बताया जा रहा था, उससे लगातार चर्चा हो रही थी, उन्हें अदालत ने ही राहत दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय व्यवहार न्यायालय दानापुर ने इस मामले में राहत दी थी। अदालत की ओर से मिली मियाद की अवधि खत्म हो रही थी और जिसको लेकर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था। ऐसे में 31 अगस्त के शाम ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिल्डर राजू के अपहरण के मामले में कार्तिकेय सिंह के अलावा मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके कई सहयोगियों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में कार्तिक सिंह को जमानत नहीं मिली थी। अब दानापुर की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला देते हुए उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद अहम फैसला सुनाने वाली है। राजू भी फर्जीवाड़े के मामले में इस समय पटना के बेऊर जेल में है और उस पर कई लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप भी है। पूर्व विधायक अनंत सिंह के करीबी है कार्तिकेय सिंह और हाल ही में मंत्रालय में शामिल हुए और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उन पर शिकंजा कसा और नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि क्या ऐसे आपराधिक छवि के लोगों को आप मंत्री बनाइएगा और सुशासन का ढोल पीटिएगा, ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। और यही वो मामला था जिसको लेकर लगातार विवाद जारी था और अब शाम तक का इंतजार करना होगा कि कार्तिकेय सिंह पर क्या कुछ फैसला कोर्ट लेती है। कार्तिकेय सिंह के भविष्य को लेकर आज शाम 4 बजे फैसला आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।